गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पॉलिटेक्निक के सिलेबस के बारे में, कि पॉलिटेक्निक जो जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उनको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होगा और कैसे उनको एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं कम समय में मेहनत करके। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग को तीन सब्जेक्ट ही पढ़ना रहता है। डिप्लोमा में हम लोग को तीन सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। एक हम लोग को क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। एक हम लोग को क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। एक हम लोग का हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इनको पता नहीं रहता है कि डिप्लोमा में क्या पढ़ना है ना पढ़ना है, तो आज हम पूरा सिलेबस के बारे में आपको डिस्कशन कर देते हैं। इतना सिलेबस आप पढ़ लेते हैं तो गारंटी आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा आपको। ऐसे बाहर कोई क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, मैथ का जो चैप्टर इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है इसमें है कि वर्ग तथा घनमूल। पहला जो आपका वर्ग तथा घनमूल हो जाएगा, दूसरा घातांक तथा करनी, तीसरा सरलीकरण, चौथा जो है गुणनखंड, पांचवा लघुत्तम समापवर्तक, पांचवा बीजगणित, छठा बीजगणित, सातवां जो है रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण जो टेंथ में आप पढ़ चुके हैं, आठवां लघुगणक, लॉग वाला भी क्वेश्चन पूछता है, नौवां संख्या पद्धति, दसवां प्रतिशत, ग्यारह लाभानि, बारह में जो हो गया साधारण ब्याज, तेरह में बैंक जमा पूंजी किस्तों, चौदह में जो हो गया कराधान, पंद्रह में देखिएगा, चौदह में कराधान, पंद्रह में औसत है, सोलह में अनुपात, सत्रह में कार्य तथा समय, अठारह में चाल तथा समय, उन्नीस में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे, बीस में विलक्षण के मापे, इक्कीस में समुच्चय सिद्धांत का प्रतिचित्रण, बाईस में त्रिभुज आप लोग पढ़ चुके हैं टेंथ में, नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, बाईस में पाइथागोरस समरूप त्रिभुज, पच्चीस में वृत्तीय माप, छब्बीस में त्रिकोणमिति आप पढ़ चुके हैं टेंथ में, सत्ताईस त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, दो कोणों के लिए त्रिकोणमितियों का योगों का अंतर भी पढ़ चुके हैं, उनतीस मन की त्रिकोणमिति के फलन का सूत्र जो आपका है, हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद इकतीस नंबर वृत्त जो है पढ़ चुके हैं, वृत्त के स्पर्श रेखाएं आप पढ़ चुके हैं, बिंदु पथ जो है तैतीस बिंदु पद, चौंतीस में समतल आकृतियों का क्षेत्रफल आप नाइन्थ टेंथ में पढ़ चुके हैं, घना घनाभ का बेलन का ये सब पढ़ चुके हैं, छत्तीस का प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, सैंतीस गोला के बारे में, अड़तीस में समकोणीय कार्तिक निर्देश का, और उनचालीस जो है आप लोग को सरल रेखा के बारे में, और चालीस जो है अभिकलन के बारे में। यही जो आपको चालीस टॉपिक है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो आप कुछ जो टॉपिक हैं ये नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, कुछ जो है टेंथ में पढ़ चुके हैं, और कुछ जो है कि सेवन एट में पढ़ चुके हैं, लाभ हानि जैसे परसेंटेज, चाल, समय, दूरी ये सब पढ़ चुके हैं। हम चैप्टर बाय चैप्टर इसमें आप लोगों को डिस्कशन सेट बाय सेट आप लोगों को ला दूंगा। जो चीज़ का आप लोग को वीडियो चाहिए कॉमेंट में आप लोग कर दीजिएगा कि सर ये चीज़ का वीडियो हमको बना दीजिए। जो भी डाउट होगा आप टेलीग्राम पर ऐड हो जाइएगा, हम टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं मैथ के बारे में। तो हम लोग देख लिए इतना टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। अब देखते हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। देखिएगा, फिजिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। पहला में मापन हो जाएगा, दूसरा में सदिश राशि, तीसरा में गति, चौथा में गति के नियम, पांचवा में बल गुण, छठा में कार्य समय ऊर्जा, सातवां में द्रव्य आर्किमिडीज का सिद्धांत, आठ में सरल लोलक जो है, नौ में पदार्थ की अनुगति सिद्धांत, दस में जो है कि तापमापी और उसमें प्रसार, ग्यारह में विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, बारह में ऊष्मा का संचरण, तेरह में जो पढ़ना है प्रकाश की प्रकृति तथा परिवर्तन, चौदह जो प्रकाश का गोलीय दर्पण आप पढ़ चुके हैं टेंथ में, प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ चुके हैं, पतले लेंसों का अपवर्तन ये भी पढ़ चुके हैं, प्रकाशीय यंत्र के बारे में पढ़ना है, विद्युत घटनाओं के बारे में पढ़ना है, उन्नीस में जो विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है, ओम के नियम के बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा का अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है, विद्युत धारा चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ना है। इसमें जो है कि आधा से ज्यादा टॉपिक आप टेंथ में आप पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग को रिविजन हम लोग को करना है। अब हम लोग चलते हैं रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान में जो है कि सबसे पहला विज्ञान रसायन विज्ञान के बारे में, द्रव्य के बारे में, रासायनिक संयोग के नियम के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, रेडियो सक्रियता, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में,
संयोजन तथा संयोजन संयोजकता तथा रासायनिक बंधन, रासायनिक भाषण की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक गणना, रासायनिक अभिक्रिया आप लोग पढ़ चुके हैं, गैसीय नियम, वैधों के रसायन, अम्ल क्षार लवण जो 10th में पढ़ चुके हैं, विलयन 13 नंबर में विलयन आपको है, ठीक है। 14 नंबर में जो तत्वों का अवर्त वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, 15 में धातु धातु पढ़ चुके हैं, 16 में धल जल एवं जल की कठोरता, 17 में प्रमुख गैस, 18 में जो है कि महत्वपूर्ण लवण, 19 में जो है ईंधन, 20 में आप लोगों को पढ़ना है कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, 21 में महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, 22 में कार्बनिक यौगिकों की पहचान, 23 में जो है कि औद्योगिकरण रसायन, 24 में जो है कि वैश्विक रसायन। इतना आप लोग को सिलेबस इतना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं एक बार, अगर सिंपली आप एक बार इसको रिविजन करते रहिए और क्या हो जाता है कि डेली में जो है कि डेली आप एक एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। क्या लगाते रहिएगा? डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। ज़्यादा क्वेश्चन देखिएगा, कुछ क्वेश्चन जो है कि न्यूमेरिकल टाइप पूछा जाता है, इसलिए न्यूमेरिकल पर आपको ध्यान देना है। न्यूमेरिकल में जितना है सबका फॉर्मूला को रटने, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mgs पर होता है, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 mgh होता है, ये सबका फॉर्मूला को रट लेना है। रासायनिक अभिक्रिया जितना सूत्र जो होता है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, ये सब आप लोगों को रट लेना। इसमें बायो सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी इसमें नहीं पूछा जाता है। 30-30 क्वेश्चन सबसे बोला जाता है, पूछा जाता है 30-30 90 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है कि 5 नंबर का रहता है, जो 450 नंबर का टोटल एग्जाम का होगा आप लोगों को। ताकि मैं भी जो है कि सिविल इंजीनियरिंग जो है कि डिप्लोमा से किए हैं, सिविल ब्रांच से किए हैं, सिविल से अगर कर लीजिएगा तो आगे लाइफ जो है कि ब्राइटफुल हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी कंटिन्यू होकर मेहनत करते रहिए, हम आप लोग को हेल्प करते रहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सर ये प्रॉब्लम है, हम सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ आया होगा, अगर समझ में आ गया होगा, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, रिजल्ट गारंटी होगा। टेंशन वो सब के लिए नहीं लेना, हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर करेंगे, जो माने कि एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जो हम पढ़ के यहाँ सर जाएं। आप लोग चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।